मेरा सवाल आप दोनों लोगों से है, जैसे हम बाहर रह के पढ़ रहे हैं, हम अपने हॉस्टल्स में, पीजी में, तो जो हमारे आसपास के जो नेगेटिव पीपल्स होते हैं जिससे हम प्रभावित हो जाते हैं, जिससे हमारा काफ़ी समय वेस्ट हो जाता है, मैं चाहती हूँ कि उस प्रॉब्लम से हम कैसे निकले, हम उनके बारे में ना सोचें, उस प्रॉब्लम में हम ना। ये जो क्वेश्चन पूछा है बहुत ही सही क्वेश्चन है। आई रिमेम्बर जब मैं हॉस्टल में थी तो नॉर्मली आपको पता है हॉस्टल का कल्चर क्या होता है, तो मेरे फ्रेंड्स थे, पब जाना, बाहर जाना, और मैं घूमती रहती थी। तो एक मेरे को कॉमेंट सुनाई दिया बाहर से कि उसको मत पूछना, उसकी लाइफ झंड है, ऐसे करके। मुझे लगा कि क्या बोल के चली गई, बट आई वॉज टू डेडिकेटेड, मतलब मेरे को था कि मुझे अपना जो एम है वो अचीव करना है, और अब उसकी लाइफ झंड है, मेरी लाइफ अच्छी है। और आप अपना फ्यूचर देखो ना, उनका फ्यूचर देखना और अपना फ्यूचर देखना, दोनों में बहुत डिफरेंस होगा। अगर आपको अपना फ्यूचर अच्छा बनाना है तो आपको वो सुनाई नहीं देगा उनकी बातें, इसमें थोड़ी तो मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, जस्ट यू हैव टू कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम दैट। दैट्स इट।